यस, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम डिवाइडेशन ऑफ सॉइल और सॉइल के जो है डिफरेंट जो सॉइल है आपकी उनके बारे में बात करेंगे कि जो सॉइल टाइप्स हैं उन सॉइल को किसके आधार पर डिवाइड किया गया है और उनको जो है क्लासिफाई जो किया गया है तो उनकी क्रॉपिंग क्या क्या है, किस प्लेस पर पाई जाती है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सॉइल पाई गई है और उसमें कौन कौन सी क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं, जो है ग्रोथ कर सकते हैं गाइस। तो लाइक देखते हैं सबसे पहले एलोवियल सॉइल को। ALUVIAL एलोवियल सॉइल लाइक सबसे पहले गाइस देखते हैं एलोवियल सॉइल। यदि हम एलोवियल सॉइल की बात करें तो दिस टाइप ऑफ सॉइल स्प्रेड द ओवर अबाउट द 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये लगभग एक तरीके से 43% टोटल एरिया ऑफ इंडिया में पाई जाती है ऑफ इंडिया। कितने भाग में? लगभग 43% भाग में ये लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। और दिस सॉइल इज फाउंड मोर देन नॉर्थन प्लेस फाउंड मोर देन सबसे अधिक किधर? नॉर्थन प्लेस ऑफ इंडिया। भारत के अलावा उत्तरी मैदान में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर फ्रॉम नॉर्थन प्लेस से लेकर के ब्रह्मपुत्र कहां तक? आपकी ब्रह्मपुत्र तक पाई जाती है। फिर आपका वैले इन द ईस्ट, एक तरीके से ब्रह्मपुत्र की जो वैले है एक तरीके से ईस्ट में, वहां तक इस जो है एक तरीके से सॉइल को पाया गया है या देखा गया है ज्यादातर। फिर आपका एक तरीके से यदि हम इसकी वेस्ट में बात करें तो सतलज जो है एक तरीके से नदी है आपकी जो कि वहां तक पाया गया है सतलज। साथ में सतलज के साथ साथ आपका एक तरीके से जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इन सब तक इसको पाया गया है। गोदावरी, कृष्णा नदी के साथ साथ एक तरीके से और कावेरी नदी, इन सब प्लेसेस या ये जो आपकी रिवर्स हैं उनके आसपास जो भी आपकी ये प्लेन्स हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल मिलेगी? आपकी एलोवियल सॉइल मिलेगी जो कि क्रॉपिंग के रूप में काफी फेमस क्रॉप है, काफी पोटेंशियल रखने वाली क्रॉप है। तो यदि इसकी हम बात करें तो एलोवियल जो एक तरीके से जो सॉइल है इसका जो फॉर्मेशन है वो डिपोजिशन ऑफ रिवर की वजह से बनता है। डिपोजिशन ऑफ रिवर मतलब नदियां जो गाद बहाकर लाती हैं, डिपोजिशन एक तरीके से जो उसका डिपोजिट होता है एक तरीके से नदियों का, जिसमें नदियों की गाद होती है जो इधर उधर से लाकर जो बहाकर लाई गई मृदा होती है उसको ये क्या करती हैं एक प्लेस पर लाकर डिपोजिट कर देती हैं, एक जगह लाकर डिपोजिट कर देती हैं और उस वजह से ये जो है सॉइल आपकी बहुत अधिक कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। कैसी हो जाती है गाइस? बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। और इस सॉइल में ज्यादातर आपका पोटास और फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन पाया जाता है। कौन कौन सा? पोटास, कौन सा आपका? सबसे पहले पोटास पाया जाता है, फिर आपका लाइमस्टोन, फिर आपका नेक्स्ट और एक तरीके से फास्फोरिक एसिड पाया जाता है इसमें। फास्फोरिक एसिड भी सॉइल में पाया जाता है और ये किससे बनती है? डिपोजिशन ऑफ रिवर। सुनो, रिवर
मतलब नदियों के द्वारा जो गाद बहाकर लाया जाता है, यूं कह सकते हो, या यूं कह सकते हो नदियों के साथ बहने वाली जो मिट्टी होती है उसको जो बहाकर नदियां लाती हैं उनमें बहुत अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें मिनरल्स के साथ साथ पेरेंटियल कई चीज़ें और पाई जाती हैं, तो उनकी वजह से, उन रिसोर्सेज की वजह से कहीं ना कहीं आयरन वगैरह की मात्रा उनके साथ लाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा लाई जाती है, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं ये जो सॉइल है बहुत ही उपजाऊ बनती है। और ये ज़्यादातर जो एक तरीके से जो रिवर्स हैं, रिवर के आसपास मिलने वाली सॉइल होती है, जैसे साथ में इसको गंगा रिवर भी बोल सकते हो, गंगा रिवर के आसपास भी ये जो मिट्टी है बहुत अधिक मात्रा में बहाकर लाई जाती है, और इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में सल्ट पाया जाता है। सल्ट होती है एक तरीके से जो कि बहुत उपजाऊ होती है, वो सल्ट पाए जाने की वजह से भी ये कैसी होती है, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। और इसमें पाई जो है क्रॉपिंग कई तरीके की कर सकते हो, जैसे कि आपकी व्हीट है, पैडी है, व्हीट गेहूं को जो है उपजा सकते हो, पैडी को उपजा सकते हो, साथ में सुगर कैन को, आप जूट को, सुगर कैन को साथ में जूट को, जूट के साथ साथ और भी कई चीज जैसे कॉटन है आपकी, मेज है, मेज माने मक्का जो आपकी मिलेट्स एक तरीके से जो बड़े दाने की जो होती है एक तरीके से, तो ये भी आपको इस जो एक तरीके से एलुवियल सॉइल है इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। गाइस तो ये था एक तरीके से आपका किसके बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। गाइस अब नेक्स्ट दूसरी सॉइल पर हम चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और जो दूसरी सॉइल है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी रेड सॉइल। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, रेड इन कलर। दिस सॉइल रेड इन कलर। ये जो सॉइल है आपकी कलर में कैसी होती है, एक तरीके से आपकी रेड होती है और एक्यूपाई 19% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। लगभग ये आपके भारत के ऑफ इंडिया लगभग भारत के 19% क्षेत्र में ये जो सॉइल आपकी पाई जाती है। तो अब हम इसकी स्प्रेड की बात करें, एरिया की बात करें, कहां कहां फैली हुई है, स्प्रेड एरिया की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है। यदि हम इसकी स्प्रेड एरिया की बात करें तो ये तमिलनाडु इन पेनिनसुला, मतलब साउथ की बात करें, साउथ में ये तमिलनाडु जो कि पेनिनसुला के आसपास, ये जो है एरिया जो है इसका पेनिनसुला के आसपास है। फिर आपका बुंदेलखंड में के आसपास है, बुंदेलखंड के आसपास इसका एरिया है। फिर एक तरीके से जो कि आपका नॉर्थन में कह सकते हो इसको, किसमें है, नॉर्थन एरिया के साथ साथ ये एक तरीके से गुजरात के कच्छ में, गुजरात, फिर आपका सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये क्या है आपका एक तरीके से ये एरियाज है जहां पर ये सॉइल जो है सबसे अधिक जो है पाई जाती है, या ये जो सॉइल एक तरीके से इसका जो एरिया है उसकी बात करें तो साउथर्न एरिया है आपका, कुछ बुंदेलखंड एरिया है जो कि नॉर्थन में, कुछ कच्छ एरिया जो कि गुजरात में है, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में, सॉरी राजस्थान में भी ये जो सॉइल है एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी स्प्रेड है, फैली हुई है गाइस। तो फिर आपका नाम से ही पता चलता है जो रेड सॉइल, तो ये कैसी होती है, रेड इन कलर होती है, रेड इन कलर। कलर में कैसी होती है, ये रेड होती है। और कौन कौन सी क्रॉप इसमें की जा सकती हैं, तो क्रॉप्स लाइक लग, तो इसकी हम बात करें तो
तो इसमें कई तरीके की क्रॉप हो सकती हैं, जैसे कि मिलेट्स है, कॉटन है, कॉटन, कॉटन के साथ साथ आपका ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट के साथ साथ आपका जो है व्हीट है, और व्हीट के साथ साथ आपका ज्वार है, ये सब आपका इसमें ग्रोइंग कर सकता है। तो एक तरीके से ये क्या था आपका रेड सोयल के बारे में। तो ये जैसा कि आपको पता बताया गया है कि रेड इन कलर होती है ये, साथ में टोटल एरिया ऑफ इंडिया 19% में ये क्या है जो है कहीं ना कहीं बिलोंग करती है एक तरीके से 19% ऑफ इंडिया, लगभग 19% भाग में ये पाई जाती है जो है एरियाज में इसको ग्रोथ देखा मतलब जो है एक तरीके से 19% एरिया में इसको लगभग माना जाता है। फिर आपका स्प्रेड एरिया देखा जाए तो साउथ में तमिलनाडु जो कि पेनिनसुला के आसपास, फिर आपका बुंदेलखंड नॉर्थन एरिया में, और कच्छ जो कि गुजरात के आसपास इसको जो है माना गया है। फिर सम पार्ट ऑफ राजस्थान भी इसमें इंक्लूड है जहाँ पर ये सॉयल पाई जाती है। फिर आपका क्रॉपिंग लाइक जैसे आपकी व्हीट, मिलेट्स, ग्राउंड नट और ज्वार इसमें आसानी से जो हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है, और ये इस तरीके से रेड इन कलर, कलर में कैसी होती है रेड होती है जहाँ ये रेड होती है। फिर आपका नेक्स्ट जो सॉयल है उसके बारे में देखते हैं, सॉयल फॉर्मेशन, क्रॉपिंग एंड इट्स एरिया। तो नेक्स्ट है आपकी ब्लैक सॉयल, कौन सी आपकी ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल के बारे में हम बात करते हैं। कभी कभी हम इसको रेगोर सॉयल भी बोल देते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, रेगोर सॉयल के, रेगोर सॉयल के नाम से भी जानते हैं। रेगोर सॉयल के बारे के नाम से भी जानते हैं, और ये टोटल एरिया ऑफ इंडिया 15% पर पाई जाती है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया में लगभग पाई जाती है। और यदि हम इसकी फैलने की बात करें तो इस स्प्रेड ओवर यदि हम बात करें तो ये लगभग आपके डेक्कन के साथ साथ और भी बहुत से एरिया हैं जो कि जिसमें आपका इंक्लूड हो जाता है, जैसे आपका महाराष्ट्र है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश है, और सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका है, इन सब प्लेसेस में ये जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर आपका जो है गुजरात के सूरत है, भरूच है, इन सब प्लेसेस पे भी ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जैसे कि आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात, एंड गुजरात के साथ साथ एक तरीके से जो आपका कुछ प्लेस आपके से इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे बिहार, कुछ पार्ट्स आपके बिहार के भी हैं। फिर आपका कुछ जो है छत्तीसगढ़ के भी इसमें पार्ट ऐड हो जाते हैं गाइस। तो ये सब, लेकिन मोस्टली एकदम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नाम आता है, और फिर कुछ पार्ट इसके किसके गुजरात के इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर एक तरीके से एकदम इसकी बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो इसमें कैल्शियम और पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा, कैल्शियम और पोटास। फिर आपका एक तरीके, फिर हम ये इसकी क्या है कंपोजिशन में, फिर हम इसकी बात करें तो ये जो सॉयल है एक तरीके से इस सॉयल के अंतर्गत हम मॉइस्चर की मात्रा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, किसकी, मॉइस्चर, मॉइस्चर की मात्रा कैसी पाई जाती है, अधिक मॉइस्चर अधिक होने की वजह से इसमें जो है क्रॉपिंग जो मानी जाती है
लाइक कॉटन, सुगर कैन एंड ऑनियन, ये सब एक तरीके से क्या है इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो एक तरीके से साथ में इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मस्टर्ड वगैरह है, तो ये जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मॉइस्चर की मात्रा काफ़ी अधिक टाइम तक, या काफ़ी टाइम जो है अधिक तक ये जो है इसमें बनी रह सकती है, और इस वजह से ये बहुत ही फर्टाइल होती है। ये जो है एक तरीके से सॉइल कैसी होती है, मोर फर्टाइल फ्रॉम अदर सॉइल, एक तरीके से आपके रेड सॉइल वगैरह है, इन सबसे ये कैसी मात्रा अधिक मात्रा में फर्टाइल होती है गाइस। तो ये था आपका किसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। तो नेक्स्ट आपकी दूसरी सॉइल एक तरीके से और हम देखते हैं, जिसमें आपका लैटराइट सॉइल आ जाता है, देखते हैं उसके बारे में। ये जो एक तरीके से जो लैटराइट जो आपकी सॉइल, ये एक तरीके से एक शब्द है लैटराइट, और ये आपका लैटिन जो वर्ड है आपका, उससे लैटर से लिया गया है, किससे, लैटिन वर्ड से। लैटराइट जो शब्द है एक तरीके से वो लैटिन भाषा का जो एक शब्द है लैटर, उससे इसको लिया गया, और इसी को एक तरीके से कौन सी लैटिन लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, उसको इससे इसको क्या किया जाए लिया गया है, और इसी से, और इसका मीनिंग है एक तरीके से ब्रिक्स। क्या मीनिंग है, ब्रिक्स किसका, फिर से एक बार देख लेते हैं। लैटराइट जो सॉइल है, कहीं ना कहीं लैटराइट जो वर्ड है एक तरीके से इसको डिकोड कहां से किया गया, लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड जो जिसका नाम है लैटर, उससे इसको डिकोड किया गया, जिसका लैटर का मतलब है यहाँ पे ब्रिक्स, मतलब इसका मतलब क्या है, ब्रिक्स, और यहीं से इस सॉइल को लैटराइट सॉइल बोला जाता है। और ये एक तरीके से यदि हम लैटराइट सॉइल की बात करें तो इसमें मॉइस्चर की जो मात्रा है बहुत कैसी होती है, लो होती है, मतलब मॉइस्चर के नाम पर ये बहुत कम एक तरीके से ह्यूमिडिटी इसके अंदर पाई जाती है। इसमें पानी को जो एब्जर्ब करने की जो क्षमता है वो कैसी होती है, बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम होती हैं, और ये ड्राई मॉइस्चर, और जो है इसमें कैसा होता है मॉइस्चर, कैसा होता है ड्राई होता है, मॉइस्चर कैसा होता है इसमें ड्राई होता है गाइस, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर मॉइस्चर पाया जाता है। और ये जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं पैडी है, सुगर कैन है, साथ में एक तरीके से कुछ और है जैसे कि आपकी टी है, कॉफी है, कसावा एक तरीके से है, उन सब के लिए ही इसको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। अन्यथा जो है ज़्यादातर जो ये जो क्रॉपिंग है उनको करने में ये संभव, सॉरी इसमें करना संभव नहीं होता है। तो कुछ कुछ इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉफ़ी है, साथ में कॉफ़ी के साथ साथ आपकी टी है, शुगर कैन है, और आपका पैडी है, ये सब इसमें इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग है। क्या है, कॉफ़ी, टी, पैडी, सुगर कैन, ये इसकी क्या इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं। जिनको इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप किया जाता है गाइस। तो ये था किसके बारे में, एक तरीके से आपका लैटराइट सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डेसर्ट सॉइल के बारे में। डेसर्ट सॉइल जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डेसर्ट मतलब रेगिस्तान में पाई जाने वाली सैंडी, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो ये एक तरीके से क्या है, बहुत ही एक तरीके से कैसी होती है, बहुत ही ड्राई एक तरीके से
सॉयल होती है और ये सेमी एराइड एरिया में अधिक पाई जाती है। कहां अधिक पाई जाती है? ये सेमी एराइड। सेमी एराइड एरिया में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा एक तरीके से यदि हम इसकी बात करें तो ये जो सॉयल है इनफर्टाइल होती है। कैसी होती है? इनफर्टाइल मतलब फर्टिलिटी की मात्रा बहुत लेस होती है। इनफर्टाइल होती है मतलब इसमें जो एक तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही लेस होती है, लेस वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी होती है? लेस होती है। तो इस वजह से यहां पर वही क्रॉप्स अधिक तरीके से क्रॉपिंग कर सकते हो। इसको पानी की जो कैपेसिटी मात्रा है बहुत कम चाहिए होती है, या हम कह सकते हैं जैसे जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ऐसी क्रॉपिंग आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि आपके पल्स हैं, पल्स के साथ साथ आपका एक तरीके से मिलेट्स हैं, साथ में इसमें मिलेट्स के साथ साथ और भी कई चीजें हैं जैसे कि आपका ज्वार है, इन सबको आप इसमें कर सकते हैं। मतलब ऐसी क्रॉपिंग कर सकते हो जैसे एब्जर्बिटी ऑफ वाटर की मात्रा कैसी चाहिए होती है? कम चाहिए होती है, या जिन्हें पानी एकदम जो है ना के बराबर चाहिए होता है, ऐसी ही क्रॉपिंग को आप इसमें कर सकते हो। और ये एरियाज इसके हम बात करें, एरिया की बात करें तो राजस्थान के जो है मोस्टली राजस्थान के पार्ट्स हैं, फिर आपका गुजरात के सम पार्ट्स हैं, इसमें ये अधिक पाई जाती है। और ये जो एक तरीके से एरिया पाए जाते हैं यहाँ, जो एक तरीके से जो रेन है वो भी काफ़ी लेस होती है, कम लेस लगभग आपका कम लेस होने की वजह से भी ये कैसा होता है? इनफर्टाइल एरिया होता है और यहाँ पानी की मात्रा जो कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे एरियाज में एक तरीके की डिसाइड सॉल होती है, और डिसाइड सॉल में आप पल्स वगैरह को, मिलेट्स को और ज्वार को क्या कर सकते हो? क्रॉप कर सकते हो। मतलब ये कम पानी वाले एरियाज में अधिक पाई जाती है और ये एक तरीके से बहुत ही कैसे होती है? इनफर्टाइल होती है। इनफर्टाइल मतलब जो फर्टिलिटी की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, किसी भी वेजिटेबल्स को क्रॉपिंग करने में जो है कॉपरेट नहीं करती है। कम फर्टिलिटी वाली जो क्रॉपिंग होती है वही इसमें आप कर सकते हो, ज़्यादातर क्रॉपिंग आप इसमें नहीं कर सकते हो। ये कौन सी थी आपकी? डेसर्ट सॉयल। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बात करता हूँ वो एक तरीके से वो है आपकी माउंटेनिंग सॉयल। माउंटेन सॉयल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माउंटेनिंग सॉयल मतलब पर्वतीय या हम कह सकते हैं पहाड़ी मिट्टी। माउंटेन सॉयल की बात करें तो ये जो सॉयल फाउंड की गई है वैली ऑफ माउंटेन मतलब स्लोपिंग एरिया ऑफ हिमालय के आसपास। कहां पे? स्लोपिंग एरिया ऑफ हिमालय। और ये क्या एक तरीके से माउंटेनिंग सॉइल है। कैसी है? हिमालयन सॉइल कह सकते हो, सॉइल। ये क्या है? स्लोपिंग एरिया ऑफ हिमालय, जैसे हम माउंटेनिंग सॉइल का नाम देते हैं। तो ये एक तरीके से कैसी होती है यदि हम इसकी बात करें तो ये लगभग इसका एल्टीट्यूड अबाउट लगभग 2700 से लेकर के 3000 मीटर तक होता है। एल्टीट्यूड इसका कितना होता है? 2700 to 3000 meter स्लोपिंग एरिया, सॉरी एल्टीट्यूड मतलब इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है आपका 2700 से लेकर के 3000 meter तक। और ये एक तरीके से इसकी जो लेयर है बहुत ही थिन होती है। कैसी होती है? इस माउंटेन की जो है सॉइल लेयर कैसी होती है? बहुत ही थिन। बहुत पतली लेयर होती है, मतलब मिट्टी की जो मात्रा है, सॉइल की जो मात्रा है बहुत ही कम होती है। और अंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत इसकी जो है सॉइल होती है, मतलब अंडर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलपिंग सॉइल नहीं होती है। और ये जो है सॉइल लगभग आपकी आसाम है, आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर एरिया की बात करें तो आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
और कुछ पार्ट्स ऑफ सिक्किम है, इन सब प्लेसेस में जो है एक तरीके से पाई जाती है। साथ में दार्जिलिंग वगैरह है, इन सब प्लेसेस में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। मीन्स मतलब जो एक तरीके से माउंटेनिंग जो प्लेस है वहां पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है गाइस। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट सॉइल, कौन सी आपकी फॉरेस्ट सॉइल गाइस, अभी तक थी आपकी कौन सी माउंटेनिंग सॉइल, अब है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको फॉरेस्ट सॉइल को, अभी फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो एक तरीके से इसका भी जो एक तरीके से एटीट्यूड है वो लगभग आपका माना जाता है कि 3000 मीटर से लेकर के 3000 मीटर से लेकर के 3100 मीटर माना जाता है। मतलब कितनी ऊंचाई पर लगभग 3000 से लेकर के 3100 मीटर तक इसका पाया जाता है। और ये जो एक तरीके से कॉन्फीरियस जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो आपके पाए जाते हैं, जो लगभग आपके माउंटेन्स रीजन के आसपास ही पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन रीजन है आपका, सह्याद्री है, ईस्टर्न घाट है ना, तो तराई रीजन ऑफ हिमालय है, हिमालय माउंटेन्स एरिया है, इन सब के आसपास ये जो है एक तरीके से आपकी फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। और इसमें एक तरीके से बात करें तो जैसे कि हिमालयन रीजन के साथ साथ सह्याद्री है, कौन कौन से रीजन आपके सह्याद्री है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से पाई जाती है। दूसरा आपका ईस्टर्न घाट है, तो ये जो है इसके कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये जो एक तरीके से कहीं ना कहीं बात हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप ज़्यादातर कर सकते हो तो टी है, कॉफ़ी है, एक तरीके से स्पाइस हैं जो आपके मसाले हैं, व्हीट है, मैजी है, इन सबको आप क्या कर सकते हैं क्रॉपिंग इसकी ले सकते हैं। जैसे किस किस की ले सकते हो क्रॉपिंग, टी है, कॉफ़ी है, व्हीट है, मैजी है, मैजी मतलब मक्का, साथ में एक तरीके से कुछ आपके और भी हैं जैसे जैसे कि आपके कुछ एरिया जैसे कि आपका पैडी है, पैडी को भी आप इसमें ग्रोइंग कर सकते हैं, बट ये काफ़ी लेस एरिया में पाई जाती है और ये जो एक तरीके से बहुत ही इसके लिमिटेड एरिया है किसके आपके फॉरेस्ट सॉइल के गाइस। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट मर्सी, और मर्सी सॉइल एक तरीके से, फिर हम किसकी बात करते हैं मर्सी या फिर एक तरीके से मडी सॉइल। मडी सॉइल जो है एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये जो है ह्यूमिड रीजन में डेवलप होती है, कहां पर ह्यूमिड, ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड रीजन में ये अधिक पाई जाती है। तो एकदम इसकी बात करें तो ये जो एक तरीके से जो एक्यूमुलेट होती है या इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किससे, बायोटिक एलिमेंट से जो एक तरीके से इसकी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, किससे, बायोटिक एलिमेंट से। इसमें बायोटिक एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये जो एक तरीके से जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन जब बरसात का समय आता है तो इसमें इसमें क्या हो जाता है, इसके जो पानी है उसमें क्या होती है, जो मिट्टी है एक तरीके से, जो सॉयल है एक तरीके से, जो आपकी लैंड है उसमें सबमर्ज हो जाती है, इसमें डूब जाती है और इस तरीके से ये कैसी मडी हो जाती है एक तरीके से। और मडी होने के बाद इसमें आप कुछ एक क्रॉपिंग ही कर सकते हैं जैसे कि आपका पैडी वगैरह है, और पैडी के साथ साथ आपका कुछ व्हीट भी कुछ लोग इसमें कर लेते हैं, कुछ आपके राइस वगैरह भी इसमें कर लेते हैं,
तो इसमें बहुत ही जो है एकदम क्रॉपिंग की बात करें तो लॉस बहुत ही लेस क्रॉपिंग एरिया होता है ये। और ये जो एक तरीके से आपका एरिया है आपके उड़ीसा वगैरह में पाए जाते हैं आपके, और उड़ीसा के आसपास के अलावा और भी कई थोड़े बहुत क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल है और बंगाल के आसपास मतलब कोस्टल एरिया के आसपास ये सॉइल अधिक पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब वाटर के पानी के आसपास की एरिया, मतलब समुद्र के आसपास की एरिया भी इसके बोल सकते हो, मतलब जहां पर पानी की मात्रा अधिक हो उस एरिया के आसपास ये जो है क्रॉपिंग सॉरी इस तरीके की सॉइल फॉर्मेशन अधिक होती है। तो इस फॉर्मेशन में आपके कौन कौन से? आसाम, ओडिशा, बंगाल, ये जो है प्लेसेस कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और इन प्लेसेस पे ये इसलिए एक तरीके से ज्यादा पाई जाती है क्योंकि जहां वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहां वाटर में लैंड क्या होती है एक तरीके से सबमर्ज हो जाती है। कहीं ना कहीं एक तरीके से जब वो इसमें लैंड सबमर्ज हो जाती है तो वो जो है एक तरीके से एरिया हो वो कैसा मडी हो जाता है, और मडी होने की वजह से इस एरिया में क्रॉपिंग करना इतना आसान नहीं होता। इस वजह से इसमें ज्यादातर आपकी पैडी या राइस वगैरह की क्रॉपिंग अधिक मात्रा में की जाती है गाइस। तो ये एक तरीके से कुछ एरिया यहाँ इसके जो है तमिलनाडु के रीजन, तमिलनाडु में भी पड़ते हैं गाइस। तो ये एक तरीके से क्या था आपका सॉइल। तो इन सब सॉइल्स के बारे में हमने क्या किया आज, इन्फॉर्मेशन ली या एक तरीके से इनके बारे में समझा कि कौन सी सॉइल किस प्लेस पे अधिक पाई जाती है, कौन सी क्रॉपिंग कर सकते हैं, कौन कौन से इसके प्लेस हैं, साथ में इसकी फॉर्मेशन क्या है और इसमें कौन कौन सी क्या चीज़ पाई जाती है गाइस। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, सॉइल इरोजन के बारे में बताएंगे, फिर आपका एक तरीके से इसकी कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे, और इन सब के बारे में जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गाइस नमस्कार।